हटा देना, खराब होगा तो मैं यही वापस लाऊंगी। वो उसमें क्या, अरे आगे जाके आओ, आगे क्या पता मिल जाए मेरी किस्मत से। अब देखती हूँ हमको आ जाएगा आपका आपका गिफ्ट। अच्छा नहीं मिली हूँ मजाक करने के लिए, मतलब ऐसे ही रहा मेरा बर्थडे केक। मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये पता नहीं क्या जो बना रखा है मैंने, ऐसे ऐसे करके लगाना तो आता नहीं, अपने मन से ही ऐसे करके लगा दिया है ये। बस शौक लगी थी मुझे लगा बनाने की तो मैंने बना दिया, अंदर से तो बाहर कहाँ जाती हूँ, जाऊँगी तो ईद पे जाऊँगी तो शौक से पहन के। अपनी शौक तो पूरी करनी हुई है ना, जैसे तैसे कर ली ये, कल को लगाऊंगी अब मैं हाथों में। एक फुट का चुका, एक फुट का नहीं चुका। हाँ उसमें थोड़ा सा मोटी वाली कीप हो गई थी तो मोटा लग गया उसमें। OMG वाव, गुड मॉर्निंग दोस्त, ये देखो कितनी रच रखी है, दिख रही है यहीं से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा पिल्लो बुक भी अपने साथ। बेनी नहीं उठी है, ठंडा हो रहा है बब्बा, थोड़ी देर सो ही जाओ ठीक है। हाँ बाहर बारिश ही बारिश आई है, मैं दूध लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अरे रे रे गया, कैसे कहना। काव्या सिखा रही मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग। चलो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओके आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त। मैं रोशनी रावत स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशदीप रावत में, एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने के लिए, सब कुछ काम हो चुका है, मतलब पूरा मतलब आधा अधूरा हो चुका है, जो कि और बढ़ाएंगे बच्चे। काव्या उठ गई है, सीवी सो रखी है, काव्या को मैंने उठाया नहीं, मतलब उठ गई है, बिस्तर से नहीं उठा रखा है, बाहर मत निकलना बोल रखा है, बिस्तर ही में है वो। बारिश आ रखी है बहुत ज्यादा, और बारिश की वजह से इतने तंग हो रखे हैं ना सब लोग, लगातार बारिश है, लगातार एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते के करीब हो ही गया है। जाने लग गई हूँ मैं दूध लाने के लिए, बट मौसम की बात करें तो कुछ ऐसा हो रखा है ये, छाता ओढ़ने लायक। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश है। मैंने पैरों में सॉक्स पहन रखे ये मेहंदी छिपाने के लिए, सॉक तो ऐसे हुए बट अंदर वाले पैरों में सॉक्स पहन रखे हैं, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी है ना, जो सॉक है ना अंदर ही अंदर वाला छिपा दिए हैं सॉक्स पहन के। पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे दूध लाने के लिए, जाड़े के मारे तो ऐसा हो रहा है ना, कप कप ही हो रही है भयंकर वाली, अंदर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बाप रे, ऐसे में भी घास काटने के लिए, पहले जब मैं गांव में थी तब तो सही था, मतलब आदत जैसी होती थी ना, अब जब से यहाँ रही हूँ ना, कसम से कह रही हूँ मेरी बस की तो नहीं है वाला हिसाब हो रहा है, अब मेरे बस की तो नहीं है ऐसे मौसम में घास काटने के लिए बाहर जाओ, वो भी ऐसे परंदा, मतलब वो होता है ना हुक्की वो वाला तिरपाल टाइप का ओढ़ के जाते थे ना, वैसा टाइप का, और या वो रेनकोट वो वाला। कैसी मूसलाधार वर्षा हो रखी है, और इन लोगों ने तो घास स्टोर कर रखा है, मूसलाधार वर्षा। पहले पानी नहीं है कहने वाले ठहरे, अब इधर पे लगा दो टैंक पूरा। हो जाएगा पानी। मैं सोच रही थी आई जेब रखी तो लगी हाथ सब्जी ले जाती हूँ, बट रोड बंद होने की वजह से सब्जियाँ भी नहीं आई है, पता नहीं कितने दिन तक का बंद रहती है। कह रहे हैं आगे जाके आओ, आगे क्या पता मिल जाए मेरी किस्मत से, अब देखती हूँ आगे तक का तो जा ही रही हूँ। बार बार कौन आता है, फिर शाम को आती है ऐसे ऐसे, अब आई नहीं रही है तो फिर क्या करेंगे,
अचार के साथ खाएंगे। चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, अब शायद वहाँ को मिलेंगे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ वाली दुकान में भी नहीं है, अब वहीं चलना पड़ेगा। ऐसी नालियाँ आ रही है, ये गंदी नालियाँ साफ हो गई है पानी की वजह से। फाइनली यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे अंडे। दो तीन दुकानों में पूछ के यहाँ पहुँची हूँ, लास्ट में मिल ही नहीं रहे थे। सब्जियाँ भी हैं यहाँ पे, अगर रोड बंद ही रहेगी तो यहाँ भी बंद हो, रोड बंद ही रहेगी तो यहाँ भी ख़त्म हो जाएंगे। बार बार आने की दिक्कत से पूरी क्रेट ले जा रही हूँ मैं, है ना। दे दो, अच्छा देना, खराब होगा तो मैं यहीं वापस लाऊंगी। वो उसने क्या कर रखा है, वो दूसरा दे दो। घर पहुंच गई हूँ बारिश के चाटे खाते हुए, सामान ला गई हूँ, फिर मैंने रास्ते में बनाया ही नहीं। और ओहो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे ही याद नहीं है। फेसबुक में देखा तो मैसेज आ रहे थे, तब जाके पता चला कि है आज 7 तारीख है, आज मेरा बर्थडे है। जिन्होंने विश किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जिन्होंने विश किया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी। चलो फिर हम लोग अब नाश्ता करते हैं, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। नाश्ता क्या, बिस्तर बिस्तर उठाना है, बच्चे लोग उड़ गए हैं, फ़ोन पे लग गई थी मैं थोड़ी देर तो इस वजह से भूल गई। अब तो दीप भी आने वाले हैं, आने वाले हैं, कन्फर्म नहीं है, नहीं बताऊंगा मैं आपको, कह रहे हैं मैं चुपके से आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा ही करना, मैं बताओ बताओ करके जिद में पड़ी हूँ, पता नहीं फिर भी नहीं बता रहे हैं। अभी तो वहीं है, मतलब ड्यूटी चल रही है कह रहे हैं, पता नहीं अब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या जो कर रहे हैं, पता ही नहीं है मुझे। शायद हाँ यार, नहीं नहीं आए हैं आज, तो ड्यूटी है ही उनकी, वही है मतलब। तो फिर चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, घर का काम करते हैं, काम कंप्लीट करने के बाद जो व्लॉग बनाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप को। लोग कहते हैं कि इनके पास, व्लॉग बनाने वालों के पास कोई काम ही नहीं है, एक बार बना के देखो ना तो पता चलेगा कितना काम है कितना नहीं है, है ना। खाले बना दिया बस, ऐसा वाला थोड़ी ना हिसाब हुआ। उतना देर आप देखने में लगाते हो उतना देर हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप चुन लेते हैं इधर इधर इधर, फिर उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर जाके व्लॉग बनाते हैं, फिर जाके यूट्यूब पे लगाते हैं, फिर सेटिंग पे सेटिंग करते हैं, जो भी है सेट करते हैं बिल्कुल, फिर उसके बाद लगाते हैं, जिस उसके बाद जो आप लोगों के पास आता है हमारा व्लॉग, तो आप कहते हो कि बेफालतू के लोग हैं। कोई बात नहीं, बेफालतू ही समझ लो, अपना काम कंप्लीट करती हूँ। बब्बी ऐसा नहीं करते बब्बा, गलत बात, मैं खेल रही हूँ। खेल रही हो तो उसको ऐसे तिरछा के सुला के। सिफी को बॉडी बना रखी है और उसका बाल की चुटिया पकड़ के आगे को ले जा रही है, फिर कह रही है मैं इसके साथ खेल रही हूँ, ऐसे बदमाश बच्चे हैं ये। नहीं Happy birthday to you, mama, बोलो। Happy birthday to you, mama. मम्मी मुझे भी खिलाओगे केक? केक मम्मा कहाँ से लाऊं? बारिश ही बारिश आने में है, बारिश ही में बारिश ही में। वहां तक गई तो सही, याद ही नहीं रहा मुझे, मुझे खुद का बर्थडे का याद ही नहीं है, मैंने फेसबुक में देखा तभी। मम्मी गुड़िया बर्थडे लाएंगे? और सॉक सॉक में मैंने मेहंदी भी लगा दी पैरों में, अब हाथों में लगाऊंगी आज। तो हाथों में तो खैर कौन देखता है, तो अपने आप देखता है, पैरों में मेरे से क्या कहेंगे, तो इस वजह से मैंने सॉक्स। मम्मी डोर केक लाएंगे है? डोर केक लाएंगे। ये क्या हुआ? डोर केक। ये डोर केक, डबल केक, डोर केक, डॉल केक। अच्छा कुछ समझ में। तो दीप
का भी ऐसे बताया था, बता रहे हैं कि आपका गिफ्ट शाम तक पहुंच जाएगा क्योंकि वो ऑनलाइन में भेजते हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे ही पता नहीं, आई डोंट नो कि गिफ्ट क्या होगा, क्योंकि सारे गिफ्ट तो उन्होंने दे रखे हैं मुझे, जो मुझे चाहिए हैं, जो भी सारे मेरे अरमान पूरे कर रखे हैं। अब पता नहीं कौन सा गिफ्ट दे रखा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, मैं लेके आऊँगी, शाम तक का आ जाएगा बोल रहे हैं, तो मैं लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या भेज रखा है उन्होंने गिफ्ट। हाय, ये मौसम सुहाना कब ठीक होगा? अब अत्ती हो गई है, अत्ती अत्ती को सुहाना नहीं कहा जा सकता। स्टार्ट में सुहाना अच्छा लगता है। पहले तो मेरे बर्थडे के बारे में किसी को पता नहीं था, अब फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में वो क्या कहते हैं भूकंप मच रखा है। पहले तो एक दो ही थे, हाँ फिर थैंक यू कह के थक गई हूँ एसएमएस करते करते। किसी को नहीं किया तो फिर दोस्त तो होती है ना, नाराज हो जाती है, तूने मेरा क्यों नहीं लगाया स्टेटस में, तूने मेरा क्यों नहीं लगाया स्टेटस में, तो क्या करें, सबका लगा दिया एक साथ ही। कपड़े तो इतने सारे सूखने बाकी है यहाँ। मैं जा रही हूँ अभी अपना केक लाने के लिए, अब ऐसे बारिश में जाना पड़ेगा। लोहागढ़ के फेमस शीतल बेकर्स से मंगा रखे है, दा है उनको पहले से जानते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने वहीं से ऑर्डर किया। मैंने तो फ़ोन कर दिया था तो आ गए हैं वो, ऊपर को उनकी गाड़ी नहीं आती है तो नीचे ही जाना पड़ेगा। मैंने आप लोग भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी करते हैं वो, होम डिलीवरी। चलो बबी रहना, यहीं रहना है, मैं अब भी आ जाऊंगी, ठीक है, शैतानी नहीं, ठीक है। काव्य की जिद है मम्मा केक लाओ करके, मेरा बर्थडे का केक तो खाया वाला, अपने बर्थडे का नहीं खिला रहे। मैं तो नहीं बना रही थी, बना क्या रही हूँ, खाली ऐसे ही इनके लिए, इनका मन रखने के लिए। हाँ पापा को भी बुलाऊंगी। बंदर अंदर ही घुस गए। मैं सोच रही थी दीप का पार्सल आया होगा वो लेने के लिए जाऊंगी, बट वो कह रहे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा हद है यार, मैं ही मिली आपको मजाक करने के लिए, शाम को आ जाएगा आपका आपका गिफ्ट। मैंने कहा अच्छा, मैं ही मिली हूँ मजाक करने के लिए, मतलब ऐसे ही झुकते हैं ना यार। छी, फोन सही करा दिया उन्होंने मेरा वाला पहले वाला, तो शायद उसी के बारे में कह रहे होंगे, बट वो तो अपने साथ ही लाएंगे। बाबरे बारिश ने तो ऐसा पित्त लगा रखे है ना, कसम से, छी ना घर से बाहर निकलने जैसा ना कुछ, कच्चे। मैं तो कह रही थी कहाँ बनाती थी, बड़ों का बुड्ढों का क्या बर्थडे होता है, छोटे बच्चे, अब खुद बच्चों का बर्थडे बनाने का टाइम है, अब अपना कहाँ बनाते हैं, तो मतलब बना भी नहीं रही हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए उनके लिए मंगा रखा है मैंने खाली ऐसे ही। सोनिया भाभी लबू को बुलाऊंगी, सोनिया भाभी को बुलाऊंगी, दी को बुलाऊंगी, देखते हैं जिसको बुलाती हूँ, छोटे बच्चों को बस, काव्य की दोस्त को ओनली। यहाँ पे आऊँगा बोल रहे थे, पता नहीं यहाँ पे तो आए ही नहीं है, ऊपर को गाड़ी नहीं आती है करके, बैक नहीं हो पाती ना यहाँ से गाड़ी, यहाँ से छोटा रास्ता है। ये रख के गए उधर पे नाम लिख के, रोशनी दा रुके नहीं, मैं आपका व्लॉग बनाने वाली थी, ऐसे गंदे हो ना, मतलब पाँच मिनट लेट क्या हुई, बस आपने दौड़ी लगा दी। चलो फिर कोई नहीं, पैसे भी नहीं लेंगे, मैं दूंगी ही नहीं अब। दुकान में रखे गए हैं, अब जिस दिन जाऊंगी मार्केट को तब होगा, गूगल पे करूंगी, मैं कैश लाई थी वैसे। चलो कोई नहीं, चलते हैं अब, केक काटती हूँ मैं घर जाके, ऐसे ही पोस्टमार्टम कर देती हूँ इसका। कह रहे हाँ लागी, दरवाज़ा खोलो खोलो खोलो, ये चलो चलो अंदर, हाँ हाँ खुशी खुशी। ये है मेरा बर्थडे केक, बट मैं अभी मैं कह रही थी दीप से वीडियो कॉल करो करके, तो वीडियो कॉल आप करोगे तभी मैं काटूंगी, बट वो अभी बिजी हैं, नहीं कर रहा हूँ बोल रहे हैं, अभी मैं बिजी हूँ तो काट लो आप लोग। मैंने कहा नहीं,
आपने कहा था लेके आना करके, तो मैं ला रखी हूँ, तो आप वीडियो कॉल करोगे तभी काटूंगी। तो कह रहे हैं मैं अभी बिजी हूँ, फिर जो करते हो। मैंने कहा जब आप आओगे तभी काटूंगी। अब मैं ऐसा ही केक नहीं काट रही हूँ, ऐसा ही केक मैं फ्रिज में रख देती हूँ, परसों को पहुँचेंगे या परसों या कल, परसों को या हाँ परसों को ही काटूंगी, परसों को जब पहुँचेंगे तभी काटूंगी। मैं रख देती हूँ इसको, नहीं काट रही मैं। अब मैं आप रहता है क्या हुआ फिर आज के दिन पैदा हुई थी तो मम्मी क्या कहते हैं रोटी डालने तो 12 दिन तक जाते रहते हैं, है ना, नामकरण तो 12 दिन में हुआ होगा। छिपा दिया क्या इसको? ये मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, ये देख सकते हो आप लोग कैसे ना काटूं मैं, कैसे ना बनाऊं अपना बर्थडे। और उड़ जा अभी काटूंगी, आज भी काटूंगी, आजा। मूड हो गया है थोड़ा सा खराब टाइप का, खैर क्या करे, इनकी वजह से लाई थी मैं तो। अब मैं नहीं बना रही, मतलब जब दीप आएंगे तभी काटूंगी मैं। तो थोड़ा खुशी भी हो रही है कि दीप आ रहे हैं घर पे। अब कंफर्म नहीं है किस दिन, शायद परसों को, शायद निरसू हो, तो फ्रिज में तो बचा ही रहेगा, खैर बासी हो जाएगा बट बचा रहेगा फिर भी। चलो फिर आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।